हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज फिर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए पहले टिप्स मेरा इस तरह से प्रेस को लिखे है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे हमारा प्रेस कितना काला हो रखा है, बिल्कुल इसमें किसी तरह से छुड़ाने की गुंजाइश नहीं है। तो देखिए, मैंने इसको प्रेस को गर्म कर लिया है और मैं इसका प्रेस का लीड को निकाल देती हूँ। तो देखिए, मैंने लीड को निकाल लिया है और मुझे एक पेपर को रख लेना है नीचे। तो देखिए, ये काफ़ी हद तक के काफ़ी इस पर पर्त जम चुका है। इसको मैंने काफ़ी कोशिश किया छुड़ाने, बिल्कुल ही नहीं छूट रहा है। तो देखिए, मैंने प्रेस को गर्म कर लिया है और मैंने ले लिया है एक ब्लेड। ब्लेड के हेल्प से इसको मैंने हल्के हाथ से, बिल्कुल कड़े हाथ से नहीं करना है, नहीं तो प्रेस पर स्क्रेच आ जाएगा। तो बिल्कुल मैं हल्के हाथ से इस पर इस तरह से छुड़ा रही हूँ। तो आप देख पा रहे हो कितना मोटा इस पर पर्त जमा हुआ है, बिल्कुल छूटने के लिए राजी नहीं हो रहा। तो देखिए, मैंने ब्लेड के हेल्प से बिल्कुल हल्के हाथ से किया है तो इस तरह से प्रेस पे स्क्रैच नहीं आया है। तो आप देख पा रहे होंगे जो स्क्रैच, इस तरह से ये ब्लेड का स्क्रैच नहीं है, ये वैसे ही है थोड़ा। तो देखिए, इस तरह से मैंने प्रेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है, काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे कितना इसमें डस्ट निकल चुका है दोस्तों। तो अगर आपके साथ भी इस तरह से होता है तो देखिए, इस तरह से मैं कपड़े को गीला कर ली हूँ। कपड़े को गीला करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जितना भी इस पर मोटा पर्त जमा हुआ था, बिल्कुल ये साफ़ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। जहाँ मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत, इसको मैं दोबारा इसी तरह से ब्लेड से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। काफ़ी हद तक ये क्लीन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। अगर आपके साथ भी इस तरह हो तो ये ट्रिक जरूर आजमाके देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे साबुन को लेके। तो दोस्तों, क्या होता है, इस तरह से छोटा मोटा साबुन हमारे टॉयलेट में, इस तरह से देखिए, इस तरह से जब हम नहाते हैं पतला साबुन हो जाता है तो हम इसको यूज नहीं करते हैं। तो चलिए आज हम इसको यूज करेंगे। देखिए, इसको आप तो या तो हाथों से तोड़ लीजिए या तो इसको पतला पतला आप इसको कट कर लीजिए। देखिए, इसी तरह से पतला पतला हम कट कर लेते हैं जितनी मुझे ज़रूरत है। तो देखिए, मैं इसी तरह से पतला पतला कट कर ली हूँ। अब मुझे करना क्या है, इसको आप और छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं। एक बॉटल लेना है, बॉटल में मुझे सारा इसी तरह से भर लेना है। तो देखिए, मैंने बॉटल में इसी तरह से जितनी भी साबुन को कटिंग करा हुआ था, इस तरह से मैंने भर लिया है। और भरने के बाद मुझे करना क्या है, किसी इसको सुई के हेल्प से पहले मुझे इसमें हॉल करना है। तो देखिए, मुझे एक सुआ लेना है और सुई के हेल्प से मुझे इसमें हॉल करना है। ज़्यादा हॉल नहीं करना है, मुझे सिर्फ 2 से 3 इसमें हॉल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो चलिए, मैं इसमें हॉल कर लेती हूँ। 2 से 3 मैंने इसमें हॉल कर लिया है, ज़्यादा नहीं किया है मैंने, 2 से 3 से। तो चलिए, मैं इसमें पानी भर देती हूँ। मुझे पूरा पानी नहीं भरना है, थोड़ा ही पानी भरना है, आधी बोतल। तो आधा बोतल मैंने पानी भर लिया है और मैं इसके कैप को कवर कर देती हूँ। कैप को कवर करने के बाद थोड़ा मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मैच कर लेती हूँ, हिला लेती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने छोटा छोटा इसमें हॉल किया है, यहाँ से इसका पानी पास हो रहा है। चलिए, मैं इसका रियूज बताती हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ टॉयलेट में। तो देखिए, इस तरह से मैं इसको प्लेस में इसको डाल देंगे, इस तरह ढक्कन को नीचे करके। तो जिस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जाता रहेगा, आपके टॉयलेट में स्मेल नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगा और आपको टॉयलेट बार बार धोने का झंझट खत्म। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस तरह से आप इसको साबुन डाल के छोड़ दीजिए तो आपको टॉयलेट बार बार धोने का झंझट खत्म। जी हाँ दोस्तों, चलिए अगला ट्रिक देख लेते हैं। अगला ट्रिक इस तरह से हमारे धनियों को लेके। तो दोस्तों, आजकल गर्मी आ गई है, गर्मी ने करवट बदल ली, हद से ज़्यादा गर्मी होने लगी। तो देखिए, इस तरह से जब हम धनिया की पत्ती ले आते हैं तो क्या होता है, धनिया इस तरह से हमारा 1 से 2 दिन भी नहीं चलता है। अगर ज़्यादातर इस तरह से हम फ्रिज में रखते हैं तो पन्नी में भी रखते हैं तो हमारा 2 से 3 दिन तक के नहीं चलता है। आपने देखा होगा इस तरह से गल जाता है। तो देखिए, हमें करना क्या है, इस तरह से हमें पेपर लेना है। पेपर में हमें, जब भी आप धनिया ले आते हैं तो इस तरह से पेपर में अच्छी तरह से कवर करके, तभी हमें धनिया को देखिए कवर करके इस तरह से फिर पन्नी में दोबारा डाल के, तब इसमें हमें गांठ लगा के तभी फ्रिज में रखना है। जी हाँ दोस्तों, ये आपका धनिया, आप यकीन मानिए, इस तरह से डबल पेपर भी करके रखेंगे ना तो आपका धनिया 10 से 15 दिन तक, गर्मियों का बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। जिस तरह से मैं हमेशा गर्मियों में इसी तरह से ही धनिया रखती हूँ, ये मेरा धनिया वाकई में ख़राब नहीं होता है, मेरा काफ़ी दिन तक के चल जाता है। क्योंकि जो भी पानी इसमें पन्नी में रिलीज होता है ना,
कुछ पानी लग के हमारा इस गर्मियों में धनिया ख़राब हो जाता है। अगर इस तरह से हम पेपर में रखेंगे तो इसमें जो पानी रिलीज होता है, तो ये देखिए आप देख पा रहे होंगे इस तरह से पानी जो रिलीज होता है फ्रिज में से धनिए में, इस तरह से पेपर अब्जॉय कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले ट्रिप की तरफ। अगला ट्रिप इस तरह से हमारे टमाटर को लेके है। तो दोस्तों हम कोई भी सब्जी वगैरह ले आते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से सब्जियों में बहुत तेज से गांठ इसमें पड़ जाती है और हमें खोलने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ही टाइटली गांठ बंधा हुआ है। तो इस तरह देखिए हमें इसमें इस तरह से लपेटा देना है, बहुत टाइटली हाथ से इसको लपेटा देना है। तो देखिए इस तरह से लपेटा दे के हम इस तरह से इसको धीरे धीरे इस तरह से प्रेस करेंगे तो देखिए बहुत इजी तरीके से, कितने भी हार्ड गांठ रहेगा बहुत इजी तरीके से आप इसको खोल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो देखिए मैंने इसी तरह से इस गांठ को खोल लिया है, बहुत इजीली तरीके से ये खुल चुका है। तो देखिए आप भी यही ट्रिक जरूर आजमा के देखिएगा, अगर आप पन्नी को फाड़ना नहीं चाहते ये ट्रिक जरूर आजमा के देखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। मिलते हैं फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।